नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। मात्र 21 दिन में मिर्गी का सफल इलाज इन तीन आयुर्वेदिक नुस्खों से। दोस्तों, मिर्गी एक तंत्रिका तंत्र के विकार है जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं। मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के कारण बार बार दौरे पड़ने की समस्या हो जाती है। दौरे के समय व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल सकता है, जैसे चेहरे पर, हाथ या पैर पर। दोस्तों, इन दौरों में तरह तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि बेहोशी आना, गिर पड़ना, हाथ पांव में झटके आना। मिर्गी किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, अनेक बीमारियों में मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं। मिर्गी के सभी मरीज एक जैसे भी नहीं होते। किसी की बीमारी मध्यम होती है, किसी की तेज। यह एक आम बीमारी है जो लगभग 100 लोगों में से एक को होती है। इनमें से आधों के दौरे रुके होते हैं और शेष आधों में दौरे आते हैं। उपचार जारी रहता है। अधिकतर लोगों में भ्रम होता है कि यह रोग अनुवांशिक होता है, पर सिर्फ 1% लोगों में ही ये रोग अनुवांशिक होता है। विश्व में 5 करोड़ लोग और भारत में लगभग 1 करोड़ लोग मिर्गी के रोगी हैं। दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या के 10-20% लोगों को अपने जीवन काल में एक बार इसका दौरा पड़ने की संभावना जरूर रहती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मिर्गी का कारगर इलाज। यदि आपको या आपके किसी परिचित को मिर्गी हो तो यहां बताए गए तरीकों को आप आजमा सकते हैं। दोस्तों, आप उनको ठीक कर सकते हैं। ये वह नुस्खे हैं, ये वह खास और प्राचीन नुस्खे हैं जिसे सैकड़ों हजारों साल पहले, जब कोई अंग्रेजी डॉक्टर या दवाइयां नहीं थी, तो लोग कैसे ठीक होते थे, इन नुस्खों के प्रयोग से ही ठीक होते हैं। आज हम उन नुस्खों को ही आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मिर्गी ठीक करने के विशेष 3 नुस्खे। नुस्खा नंबर 1, लहसुन 1 तोला, काले तिल 3 तोले। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर हर रोज सुबह मात्र 21 दिन तक खाने से मिर्गी रोग बिल्कुल सही हो जाता है। नुस्खा नंबर 2, 1 तोला लहसुन को 2 तोले काले तिल के तेल में मिलाकर खाने से भी मिर्गी रोग ठीक हो जाता है। नुस्खा नंबर 3, लहसुन को तेल के साथ, स्तवर को दूध के साथ और ब्राही के रस को शहद के साथ सेवन करने से सब तरह के मिर्गी रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ये तीनों नुस्खे ही उत्तम हैं। अनेकों लोगों ने इनसे लाभ लिए हैं, पर कुछ लोग वहमी होते हैं और जल्दबाजी में अपने लिए रिजल्ट चाहते हैं। उनको कभी लाभ नहीं मिला, उनको कभी लाभ मिलता है क्योंकि वो इस नुस्खे को आजमाते ही नहीं हैं। उनको मन में हमेशा ही शक रहता है। वो शक के साथ ही नुस्खे, जब हम कोई भी नुस्खा विश्वास के साथ अपनाते हैं तभी हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मिर्गी का दौरा तुरंत ठीक कैसे करें। मिर्गी का दौरा तुरंत ठीक करने के लिए कड़वी तुरई को पानी में पीसकर एक महीन कपड़े में रख लें और जिस रोगी को दौरा पड़ा हो उसके नाक में 2-4 बूंद टपका दें। इसके नाक में टपकते ही मिर्गी से बेहोश हुआ रोगी तुरंत होश में आ जाएगा। दूसरा नुस्खा, आग के जड़ की छाल को बकरी के दूध में पीसकर एक कपड़े में रख लें और मिर्गी आने पर रोगी के नाक में 3-4 बूंदे टपका देने से मिर्गी नष्ट हो जाती है और रोगी को होश आ जाता है। सफेद प्याज का रस निकालकर बेहोश हुए रोगी के नाक में डालने से भी रोगी को होश आ जाता है। तो दोस्तों, आप इन 3 नुस्खों का प्रयोग करके मिर्गी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं और इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।